24 जनवरी 2023 है और हम सब बड़े एक्साइटेड हैं। हम सब लैपटॉप मास्टर की टीम ट्रेन के थ्रू जा रही है वैष्णो देवी। आज लैपटॉप मास्टर की पूरी टीम माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के लिए कटरा पहुंची है। आज 25 जनवरी 2023 है और कटरा में हमें बहुत ठंड महसूस हो रही है। कटरा पे ये ऑटो स्टैंड बना हुआ है, यहाँ से आपको ऑटो मिलते हैं। आपको जिस भी होटल में जाना है या धर्मशाला में जाना है, आपको यहाँ से ऑटो उसके लिए मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, कटरा का रेलवे स्टेशन और ये बहुत साफ है। मुझे नहीं लगता कटरा के रेलवे स्टेशन से साफ कोई और रेलवे स्टेशन है इंडिया में। अब हम 12 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के लिए आ गए हैं। यहाँ पे गेट है जहां से चढ़ाई शुरू होती है और हमारी लैपटॉप मास्टर की पूरी टीम देखिए लाइन में लगी हुई है एंट्री करने के लिए। पहले यात्रा को शुरू करने से पहले यात्रा पर्ची बनती थी, लेकिन अब यहाँ पे श्राइन बोर्ड ने चेंज कर दिया है। इस तरीके से आई कार्ड बनता है जो आपको वापसी में सबमिट करना होता है। ये एंट्री गेट है, यहाँ से ही यात्रा शुरू होती है। यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं सबका सामान चेक किया जाता है। कोई भी बीड़ी सिगरेट जैसी चीज़ या कोई भी चक्कू कोई भी ऐसी चीज़ होती है वो यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी है उनके द्वारा निकाल दी जाती है। ये कटरा का टी सीरीज का लंगर है। जब आप जाते हैं कटरा से भवन तक यात्रा शुरू करते ही सबसे पहले आपको जो आता है वो है बाणगंगा। ये है बाणगंगा जो अब बिल्कुल सूख चुकी है। बाणगंगा के बाद सबसे पहले आता है चढ़ पादुका, जहां पे माँ ने खड़े होकर तीर मारा था, जहां से बाणगंगा निकली थी। माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हुए कम से कम कितना रास्ता पार कर लिया होगा आपके हिसाब से? तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के करीब। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के करीब हम चल चुके हैं और अभी कम से कम कितना 7-8 किलोमीटर रहता है। 7-8 किलोमीटर रहता है। ये रहे हमारे साथ 6 किलोमीटर पैदल रास्ता कवर कर चुके हैं और हम पहुंच गए हैं अधकुआरी में, जहाँ पे गर्भजून गुफा है, जहाँ पे माँ वैष्णो 9 महीने रही थी गुफा में। ये अधकुआरी पे गर्भजून की लाइन है। यहाँ पे आपको पर्ची मिलती है और फिर जब नंबर आता है तब आप गर्भजून में जा सकते हैं। ये लाइन है, यहाँ पे गर्भजून से जा रहे हैं। अभी हम लोग नंबर लगाएंगे और भवन पे दर्शन करने जाएंगे। जब दर्शन करके वापस आएंगे तब हमारा नंबर आएगा, तब हम दर्शन करेंगे। अब हम अधकुआरी से 1 किलोमीटर आगे और आ चुके हैं। यहाँ पे हम बैठ के चाय पी रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कितने बादल हैं। यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हम अगर यहाँ से देखेंगे तो हमें यहाँ से कटरा दिखाई देता है, लेकिन अभी हमें सिर्फ फॉग के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। हम सांझी छत की तरफ चल रहे हैं। बादल ही बादल है, सिर्फ 500 मीटर बचा है। हाँ जी दोस्तों, अब हम सांझी छत पहुंच चुके हैं। यह है सांझी छत, बादल ही बादल है। तो फाइनली अब हम भवन पहुंच चुके हैं। 12 किलोमीटर चलने के बाद बहुत थके हुए हैं। पूरी टीम जो है लैपटॉप मास्टर की वो बहुत थकी हुई है, लेकिन अब बड़ा अच्छा लग रहा है। हम भवन पे पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ पे हमारे बेड बुक है, डॉर्मेट्री बेड मिलते हैं यहाँ पे मनोकामना भवन पे। अब हम यहाँ पे नहा धो के फिर अब हम माता के दर्शन करने जाएंगे। हम माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए। भीड़ नहीं थी, 25 जनवरी है, बहुत ठंड होती है इसलिए भीड़ नहीं थी। अब हम जा रहे हैं भैरव घाटी, भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। हम कटरा वापस आ चुके हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके। वापसी आते हुए हम वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि हम सब बहुत थके हुए थे। कुछ फोटोज जरूर हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं।